वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुझे अक्सर गालियां दी जाती हैं, लेकिन अब मेरी कब्र खोदने की बात की जा रही है। नंदुरबार में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और पलटवार किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर यह कहा जा रहा था कि उनके लिए कब्र तैयार है, ये गाली देते हुए भी तुष्टीकरण करते हैं, पीएम मोदी ने कहा है। पीएम मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं विपक्ष पर और कहा है कि नकली शिवसेना मुझे जिंदा गाड़ना चाहती है। गरीब से कितनी नफरत है, इन्होंने फिर बताया है कि नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है और मुझे गाली देते हुए भी ये लोग तुष्टीकरण का पूरा ध्यान रखते हैं। मोदी की कब्र खुदेगी, मोदी को जिंदा गाड़ देंगे, और इसमें भी अपने वोट बैंक को पसंद आए वही गाली दागोगे क्या? साथियों, मुझे कई बार ये सोचकर दुख होता है कि बाला साहब ठाकरे को कितना दुख होता होगा। मैंने बाला साहब को निकट से देखा है, उनके मन को दिल को छू करके मैंने देखा है। अब तो ये नकली शिवसेना वाले बम धमाके के दोषी को भी अपने साथ प्रचार में ले जाने लगे हैं। गरीब से कितनी नफरत है। चलिए इसी के साथ फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने।